एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी चना चाट की रेसिपी काबुली चने से मैंने इसे बनाया। बहुत ही यमी रेसिपी, आप इसे ट्राई जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा काबुली चना। तो 200 ग्राम के लगभग काबुली चना लिया, जिसे मैंने 5-6 घंटे पानी में भिगो दिया था। और इसके बाद मैंने इसे कुकर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के 2 सीटी में उबाल लिया है। और ये देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसके साथ अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें हमें इसमें ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ थोड़ा सा नमक। नमक मैंने पहले भी डाला था, इसलिए नमक थोड़ा कम यूज़ करेंगे। और इसके साथ हमें इसमें डालना है 3 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लावर। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच में भी इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इसके साथ ही 1 से 1.5 चम्मच के लगभग चावल का आटा। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को चने में अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये आटे की कोटिंग चने पे अच्छी तरह से हो जाए। चनों को हमें डीप फ्राई करना है, तो इसकी कोटिंग इस पे जितनी अच्छी तरह से होगी, हमारे चने उतने ही क्रिस्पी होंगे तलने के बाद, फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, ये चनों में अच्छे से आटे की कोटिंग हो चुकी है। अब हमें ये जो चने हैं इसे सेपरेट करना है, मतलब आटों से अलग कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर से मैं जितने चने हो रहे हैं निकाल ले रही हूँ साइड से, और बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ कैसे निकालना है। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो चने सारे ऊपर आते जाएंगे और आटा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे चनों को ऐसे ही निकाल लिया है, थोड़ा सा हाथ से ऐसे हिलाते हुए। मीन्स आप ऐसे हाथों में ले लीजिए और ऐसे हाथों को हिलाएंगे तो चने ऊपर आ जाएंगे और आटा सारा नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो आटा है वो किसी काम का नहीं है। तो चने हमने निकाल दिए हैं और साथ में यहाँ पे मैंने तेल गर्म करने रखा है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, एक चना डाल के चेक करते हैं। तो तेल गर्म है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो तेल है आपको बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि ये तेल बाद में वेस्ट हो जाए, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा कम तेल यूज़ करें फ्राई करने के लिए, जितना कम हो सके। और इसके बाद इसमें चने डाल के चने कुरकुरे हो जाने तक, क्रिस्पी हो जाने तक अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लें। और उसके बाद जब चने पक जाए तो इसे निकाल लें। और इसे आपको स्ट्रेनर में रखना है, आपको इसे टिश्यू पे या डायरेक्ट किसी बर्तन में नहीं रखना, आपको ऐसे किसी छन्नी में इसे रखनी है। और ऐसे ही सारे चने हम रख लेंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे बोल में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे चने ठंडे हो चुके हैं। अब हमें जो प्रोसेस करना है, इसमें हमें कुछ चीज़ें डालनी है, क्योंकि हमें बनाना है चना चाट, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, साथ में थोड़ा सा काकड़ी बारीक कटा हुआ, और लहसुन और हरी मिर्च ढेर सारी। 2 हरी मिर्च ली है और 7 से 8 लहसुन की कलियां जिसे बारीक कट किया, साथ में हरे धनिया की पत्ती। यहाँ पे मेरे पास है 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, और नमक के साथ डालूंगी मैं 1 बड़े नींबू का रस। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। मुझे तो ये रिकॉर्ड करते टाइम ही मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बना था ये, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें अपने घर पे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे सर्व कर लेंगे। और आप इसे बनाइए अपने घर पे, इंजॉय करिए। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा सा, बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी लाजवाब है ये चना चाट। तो वीडियो को लाइक और कमेंट